कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर से रिश्ता क्या नहीं जिंदाबाद। हमारे पास सिग्नेचर मवाद क्या थी पॉइंट फाइव के मौका पर, ताकि डिफरेंट स्टूडेंट्स अभी जो स्टूडेंट्स हैं अपने सिग्नेचर करके यकजहती का इजहार करेंगे। जो हमारे कायद हैं मकबूल भट्ट उनकी शादी बहुत सस्ता है वहाँ का बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। 5 फरवरी के मौका पे पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान कश्मीरियों से यकजहती का इजहार करते हैं, और इस दिन की क्या हैसियत है आया जानते हैं। बहावलपुर में भी इस दिन को इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है, न सिर्फ 5 फरवरी को बल्कि इससे पहले भी ये तकरीबात का सिलसिला जो है कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, यकजहती वाक्स ये जो है वो पिछले कई रोज़ से जारी हैं, और आज भी आज की जो वाक है ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, डीन्स भी मौजूद हैं, असातिज़ा और मुलाज़मीन जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जरा उन्हीं से बात करते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब गिलानी साहब, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ, सर क्या कहेंगे? बहावलपुर में विजनरी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मलिक साहब की क़यादत में ये योम यकजहती कश्मीर जो है हमेशा की तरह बड़ी शानदार तरीके से मनाया जा रहा है, बल्कि पूरा वीक मनाया जा रहा है। इस हवाले से हमारे डिपार्टमेंट पाकिस्तान में भी एक वेबिनार हो रहा है जिसमें मैडम मिशाल मलिक भी ऑनलाइन होंगी 7 तारीख को, और मैं इसके हवाले से एक बात ये करना चाहता हूँ कि कश्मीर जब से पाकिस्तान बना है और ये हमारा बतौर काज आजम जो बानी पाकिस्तान है कश्मीर हमारी शाहरग है और कोशिश अपनी शाहरग से विदड्रा नहीं होता, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने जब ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसे मुतहदा हिंदुस्तान का जो है जाने के बाद में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जो है बनाया जाए और पाकिस्तान ने इसे डिनाई किया, वहाँ से इसलिए बदलने की कोशिश की जाती है कि उसको बदलने सके और इशारा पूरे पाकिस्तानी की तरह इस्लामी हम सब वास्तव से भी ज़्यादा भी एक हैं और पाकिस्तान की क्या कहेंगे आज के दिन की बात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर जो सोसाइटीज़ बनाई गई हैं उसके अंदर एक आईपी नज़रिया पाकिस्तान सोसाइटी का क़्याम का मकसद ही ये है कि तलबा व तालबात के अंदर नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के हवाले से उनके अंदर शऊर जो है उजागर किया जाए, ताकि उनको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के मुतल्लिक पता हो। और उसके बुनियादी मकासद में से ये है कि जितने भी कौमी दिन हैं, नेशनल डेज़ हैं, उनको मनाया जाए और तलबा तालबात को जो है उन डेज़ की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। आज भी 5 फरवरी का जो दिन है योम यकजहती कश्मीर है, और आज भी तलबा तालबात की कसीर तादाद कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए यहाँ पर आई है और ज़ाहिर यकजहती के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई है। मैं समझता हूँ कि कश्मीर का जो मसला है वो अक़वाम मुत्तहदा की क़रारदादों के मुताबिक ही हल हो सकता है, और आज हमें अक़वाम मुत्तहदा और UNO का दोहरा मियाद भी हमें नज़र आता है कि जो उनकी क़रारदादें हैं उसके मुताबिक इस मसले को हल नहीं किया जा रहा। डॉक्टर साहब ने भी बताया, डीन साहब ने बताया कि वर्दी वाइस चांसलर ने बच्चे डॉक्टर साहब की क़यादत के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ भी बिल्ड हुई और हर सोसाइटी किसी न किसी कॉज पर काम कर रही है। इसी तरह रिसेंटली आज भी नज़रिया पाकिस्तान सोसाइटी भी जिसके एडवाइज़र डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब हैं वो भी क़याम में आई, और नज़रिया पाकिस्तान सोसाइटी का काम भी यही है कि जितने भी इवेंट्स हैं नज़रिया और जो भी दो कौमी नज़रिया है उसको कौम के अंदर उजागर रखना, और जितनी भी जद्दोजहद हमारे बुज़ुर्गों ने जो की है उसके बारे में कौम को बताना। और हम सब आज 5 फरवरी के दिन इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अताशिया कैंपस में हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं, और हमारे साथ सीनियर असातिज़ा भी हैं, डीन भी हैं, बच्चे भी हैं, खबर भी हैं। हम कश्मीरियों के साथ यकजहती के इजहार के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं, और हम कश्मीरियों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और हम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे, और हम अक़वामे मुत्तहिदा को भी ये याद दिलाना चाहते हैं कि अक़वामे मुत्तहिदा को कश्मीर हमारे कश्मीर के दोस्त जो हैं वो भी मौजूद हैं, कश्मीर कम्युनिटी जो है उसके प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। बताइएगा क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन है वहाँ पे, वो भी थोड़ा सा बताइएगा, और जो पाकिस्तानी कौम का एक जज्बा है कश्मीरियों के लिए उसके मुनासबत से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने 5 फरवरी को ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार करने के लिए,
उसके बाद वहाँ के हालात बॉर्डर के आपको तो सबको पता ही है क्या हालात होते हैं। उसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहता हूँ कि और हर कश्मीरी ये चाहता है कि इंटरनेट जैसे नेशनल लेवल पे बच्चा बच्चा मसला कश्मीर को जानता है, इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान इस काज को उठाए यूएन के सामने ताकि उस पर प्रेशर पड़े और मसला कश्मीर हल की तरफ जाए, मसला कश्मीर हल की तरफ जाए। और यकीनन ऐसे हमारे साथ अभी आईयूबी में मौजूद स्टूडेंट हैं, इनका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं 5 फरवरी के मौके पे क्या हुआ और इसको हम क्यों मनाते हैं? 5 फरवरी जो है ये एक सॉलिडेरिटी डे है कश्मीरी भाइयों के साथ, क्योंकि कश्मीरी भाई हमारे भाई हैं और हमें उनको जो है वहाँ रात अटैंडिंग बहुत से हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने कोई डिफरेंट नहीं है, हम सारे जो है वैसे मुसलमान मुसलमान के भाई हैं और इंडिया ने जो है वो नाजायज़ कब्जा किया हुआ है कश्मीरियों पर और हमें उसके खिलाफ जो है जद्दोजहद करनी चाहिए। अच्छा ये है हमें जद्दोजहद करनी चाहिए लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसा अमल किया हो जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाएं, आगाज़ कब करें अपने ये अभी तक जब वो कहते हैं ना कि काम से जो है वो बात होती है, क्योंकि वर्ड्स स्पीक लाउडर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन हमने सिर्फ बातों तक अभी तक जब हमने बात की है बातों तक जो बड़े लेकिन कुछ एक्शन करना है हमें गवर्नमेंट कुछ कश्मीरियों से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। पाँच फरवरी सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान का कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं 5 फरवरी को, क्यों मैं जब इसी तरह जाते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है अथॉरिटी वो कश्मीर राज को इंटरनेशनल लेवल पे उसे बताएं। आप कश्मीर कम्युनिटी के प्रेसिडेंट भी हैं, उस जो हमारे कायद हैं मकबूल भाई उनकी शादी भी हुई है हम लेके रहेंगे पाकिस्तान पाकिस्तान पाक आर्मी इस्लामिया यूनिवर्सिटी वालेकुम सलाम। बस ठीक है डॉक्टर, वो इतने नहीं, बस उन्होंने वापस भेज दिया, बस हम इतने हो गए, इधर आ जाए आप। फातिमा से जारी